केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी थी बोरेक्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या क्या देखा था हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था कि बोरेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है ठीक है इट वॉज अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो कि वाइट कलर का देखने में नजर आता है फिर हमने देखा था कि बोरेक्स जो है आइदर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एंड हाइड्रस्स या इसके अलावा ये पेंटाहाइड्रेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या डेकाहाइड्रेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इसके अलावा हमने इसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में बात की थी सॉल्युबिलिटी जो थी हमने देखा था कि टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी बोरेक्स की हमने बोरेक्स की मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटी के बारे में बात की थी एंड फाइनली हमने बोरेक्स की क्रिस्टलाइन uh, नेचर के बारे में बात की थी और हमने देखा था कि बोरेक्स किस टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइज हो तो किस किस्म का हाइड्रेट प्रोड्यूस होता है आज का जो हमारा लेक्चर है दैर इज गोइंग टू बी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज बोरेक्स इट इज एन ए टू बी फोर ओ सेवन ठीक है और ये जो भी मैंने लिखा है दिस इज एन हाइड्रिस बोरेक्स हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ टेट्राबोरिक एसिड विच इज एच टू बी फोर एक डेर की जगह अगर आप एलिमिनेट करके सोडियम अटैच कर देते हो दो तो सोडियम टेट्राबोरेट या बोरेक्स भी हम इसको कहते हैं टूडे वी आर गोइंग टू सी के सोडियम टेट्राबोरेट किस तरीके से केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है तो आई अंडरस्टैंड कि जितने भी आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस हैं दे मेक लिटिल सेंस और नो सेंस एट ऑल बट स्टिल यू हैव टू मेमोराइज देम सो द ट्रिक टू डू इट आप इसको किस तरीके से मेमोराइज कर सकते हो यू मेक कोड्स फॉर देम ठीक है यू मेक शॉर्टकट्स आपको ये कोड या एक कोई शॉर्टकट बना लेते हो जिससे आपको ये याद रह जाता है कि उस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या थे ठीक है या उसके रिएक्टेंट्स क्या थे नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हम इसी आज जो लेक्चर हम इसमें जो बोरेक्स के रिएक्शन हैं हम इनको सिस्टमेटिकली थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि बोरेक्स एक्स एन ए प्लस टू बी फोर ओ सेवन जो है ये इन दो चीज़ों से मिलके बना था ना ये दिस इज इजा बोरेटाइन एंड सोडियम इज़ प्लस वन ठीक है और इन दोनों को मिलके बोरेक्स बना था इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको डीकम्पोज करोगे डीकम्पोज ना कहो आप इसको ये करो कि जब आप इसको आयनाइज़ करोगे तो दो किस्म के आइन्स प्रोड्यूस होंगे एक हो रहेगा एन ए प्लस एन ए टू होता है एन ए टू बी फोर ओ सेवन होता है ना तो ये दो, दो दफा एन ए प्लस आइन प्रोड्यूस होगा और इसके अलावा बी फोर ओ सेवन माइनस टू आइन प्रोड्यूस होगा यानी दो सोडियम केट प्रोड्यूस होंगे और आपके पास टेट्राबोरेट आइन साथ प्रोड्यूस होगा ठीक है और ये हमेशा आपको पता है आयनाइजेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो लेट से यू हैव वाटर और आप पानी के अंदर जब सोडियम टेट्राबोरेट को डालते हो तो वट के आपके पास सोडियम आइन प्रोड्यूस होते हैं और साथ में टेट्रा ये बी फोर ओ सेवन माइनस टू आइन प्रोड्यूस होता है अब इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो सिर्फ आइनाइजेशन होती है ना अब एक और चीज आप अब, अब याद रखनी है आपने बात ठीक है ट्राई टू मेक दिस एज अ कोड कि जब भी जो टेट्राबोरेट आइन है बी फोर ओ सेवन माइनस टू वेन एवर इट विद वाटर तो क्या होता है कि इट मेक्स बोरिक एसिड बोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है और साथ में हाइड्रोक्सिल्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं सोल्यूशन के अंदर से ठीक है रिपीट बी फोर ओ सेवन माइनस टू जो कि क्या चीज थी टेट्राबोरेट आइन था जब टेट्राबोरेट आइन जो है ये पानी के अंदर आप डिजोल्व कर दो रिएक्शन करवा दो इसका तो क्या होता है कि ऑर्थोबोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है विच इज एज थ्री बी ओ थ्री एंड साथ में हाइड्रोक्साइड आइंस प्रोड्यूस होते हैं ठीक है अगर आपको ये दो रिएक्शंस याद हो गए हैं या आपको समझ आ गए हैं तो अगले रिएक्शंस करना इज वेरी इजी ठीक है अगर आपको ये बस ये वाले सिर्फ दो याद कर लो बाकी जो सारे हैं वो इन्हीं दो से निकलते हैं बोरेक्स के सारे रिएक्शन पहला आपको ये पता होना चाहिए कि बोरेक्स जो है वो किस तरीके से आयनाइज होता है ये तो बहुत ही ऑब्वियस रिएक्शन है ना सोडियम अलग हो जाएगा और टेट्रा अलग हो जाएगा और फिर क्या होगा कि जो टेट्रा बोरेट है ये आपने बात याद रखनी है कि आप बैलेंस करो सो हाउडेंस ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव फोर बोरॉन्स ऑन द राइट साइड यू है सिंगल बोरॉन तो पहले तो आप यहाँ पे एक चार लगाओगे ठीक है यहाँ पे चार लगाने के बाद अब हुआ ये आपके जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं वो आपके राइट right साइड पे ज्यादा हो गए ठीक है या इन अदर वर्ड्स यू कैन से अगर मैं ऑक्सीजन की टर्म में बात करूं राइट साइड पे जो ऑक्सीजन हैं वो भी ज्यादा हो गए हैं अगर सिर्फ ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस करने की कोशिश की जाए तो इस वाले के अंदर दे आर फोर थ्री आर ट्वेल्व ऑक्सीजन ठीक है और इस वाले के अंदर देर, देर इज वन ऑक्सीजन और इसके अंदर दे आर सेवन ऑक्सीजन इसके अंदर दे इज वन ऑक्सीजन तो टोटल तो लेफ्ट साइड पे आपके पास एट ऑक्सीजन है और राइट साइड पे आपके पास तेरह ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड ठीक है अब आठ को तेरह करने के लिए आपको बेसिकली कितने मजीद ऑक्सीजन की जरूरत है पांच ऑक्सीजन की जरूरत है सो वट यू कैन डू इज यू कैन पुट फाइव ओवर हियर यहाँ पे फाइव एच टू ओ किया जा सकता है बट इफ यू पुट फाइव एच एच टू ओ तो उससे क्या होगा कि हाइड्रोजन यहाँ पे दस हो जाएंगे राइट right साइड पे देखो हाइड्रोजन्स कितने हैं फोर थ्री जै बारह तो बताते खुद इसमें ठीक है इस तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पांच आप नहीं लगा सकते किसी भी तरीके से वट एवर द केस बी यहाँ पे आपको पांच से ज्यादा आपको सात ऑक्सीजन्स लगाने पड़ेंगे और यहाँ पे अगर आप दो लगा दो हाइड्रोसाइड अब आप देख लो एवरी थिंग इज बैलेंसड गुड अनाफ नाउ यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड सेवन एंड सेवन यू मेक टोटल ऑफ फोर्टीन ऑक्सीजन्स ठीक है ऑन द राइट एंड साइड यू कैन सी फोर थ्री एंड टू ऑक्सीज मेक फोर्टीन ऑक्सीजन इसी तरीके से आप हाइड्रोजन्स को भी देख सकते हो दे आर बैलेंसड एंड एवरी इज गुड सो लेट्स रिमूव दिस ये जो नीचे का जो हिस्सा है हम इसको कर देते हैं यहाँ से ख़त्म अब आप ये वाले दो रिएक्शन्स क्यों मैंने थोड़ी ज्यादा देर लगाई है इनके ऊपर ताकि आपको ये दोनों याद हो जाएं ठीक है जो टेट्राबोरेटाइन है जब पानी के साथ रिएक्शन करता है इट मेक्स ऑर्थोबोरिक एसिड विच इज एच थ्री बी ओ थ्री और साथ दो हाइड्रोक्साइड आइंस प्रोड्यूस होते हैं इफ़ यू ऐड दीज टू रिएक्शंस टूगेदर इन दोनों रिएक्शंस को आप ऐड कर दो सो वोट यू गेट एन ए टू बी फोर ओ सेवन था ऊपर ठीक है टू बी और बी इस साइड पे भी है और उस साइड पे भी है तो इसको मैं नहीं लिखूंगा ये कैंसिल हो जाएगा एक तरह से ठीक है जो जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं मैं उनको रेड से उनको लाइन लगा देता हूँ ये इधर भी एक है और इधर भी एक है तो ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है इसके अलावा लेफ्ट साइड पे यू हैव सेवन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर तो ये प्लस सेवन एच टू ओ हो गया अब देखो लेफ्ट साइड पर कोई चीज़ बच गई है एक ये था एक ये था और एक ये था तो ये दो चीज़ें आपने लिखनी है तीसरा कैंसिल हो गया फाइनली आपने आयनाइजेशन की और बीच में एच टू ओ एड किया तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा कि आपने एच टू के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ कि दो सोडियम आइंस राइट साइड पे प्रोड्यूस हो रहे हैं और दो हाइड्रोक्साइड आइंसाइड राइट साइड पे प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे दो सोडियम हाइड्रोक्साइड्स बना देंगे NaOH produce कर देंगे बी फोर ओ सेवन माइनस टू जो टेट्रा बोरेट था वो तो वैसे ही कट गया था और साथ आपके पास क्या चीज हो रही है? रिएक्शन so जो आपने याद रखना है overall, क्योंकि इसी से बाकी रिएक्शन में रिएक्शन आर वेटी सिंपल बोरेक्स वेन रिएक्ट्स विद वॉटर इट प्रोड्यूस बेस एंड एन एसिड आपको पता है कि बोरेक्स इज अ सोल्ट एंड आप इसका रिएक्शन करा रहे हो विद वॉटर तो इट वॉज वेरी ऑब्वियस एसिड ही बनाएंगे ठीक है बट द रिएक्शन की जो अंदर के स्टेप्स हैं, वो आपने अब याद रखने हैं कि सोडियम टेट्राबोरेट फर्स्ट ऑफ ऑल मेक्स ए बोरे टेट्राबोरेट आइन एंड सोडियम एंड दिस टेट्राबोरेट आइन इज हाइड्रोलाइज इट रिएक्ट विद वॉटर टू प्रोड्यूस बोरिक एसिड एंड हाइड्रोसाइड आइंस ठीक है यू कैन बैलेंस एंड यू कैन ऐड देम टुगेदर जिसमें आप देख रहे हो कि अब एक सोडियम जो है, जो है वो रिएक्ट कर रहा है an अगर इस बेस के बारे में बात की जाए इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस यू ऑलरेडी नो दिस कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी स्ट्रांग बेस या गुड बेस और अच्छी बेस वो होती है जो बहुत ही इजीली ओएच जो है उससे अलग हो सके सो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सोल्यूशन के अंदर बड़े आराम से ओ एच OH आइंस जो है वो आ, एक तरह से लिबरेट कर देगी बट एच थ्री बी ओ थ्री इज अ वीक एसिड इट इज अ अम्पेरेटिवली वीक एसिड वीक एसिड मीन्स के इसके अंदर से एच प्लस अलग करना मुश्किल है सो वट विल हैपन इज के ये जो एच प्लस है ये बहुत कम सोल्यूशन के अंदर छोड़ेगा लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेस है ये ओ एच सोल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा छोड़ेगी सो ओवरऑल सोल्यूशन में जो ओ OH एच है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा निष्पतन एच के सो इसका जो सोलूशन होता है आप कहोग कि वो अल्कलीन है नेचर के अंदर या बेसिक सोल्यूशन है इसका ठीक है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बोरॅक्स कि जो बोरेक्स का जो अगर पानी के अंदर आप सोल्यूशन बनाओ तो वो जो सोल्यूशन होता है इट इज अ बेसिक सोल्यूशन ठीक है हालांकि जो बोरेक्स है वो एक एसिड से डिराइव हुआ है तो ये बात आपने याद रखनी है नाउ लेट्स राइट दैट रिएक्शन वंस अगेन रिएक्शन जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था वो क्या था कि एन ए टू बी फोर ओ सेवन इज गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर एंड इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस टू थिंग्स क्या बनेगा एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अस्ट्रॉग बेस एंड एन एसिड विच इज ए थ्री बी ओ थ्री अ वीक एसिड अगर मैं बैलेंस्ड फॉर्म में बात करूँ तो यहां पर सात मॉलिक्यूल्स थे पानी के ठीक है और यहां पे दो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के और यहां पे चार मॉलिक्यूल्स इसके एसिड के प्रोड्यूस हुए थे विच इज ऑर्थोबोरिक एसिड अच्छा अब अगर अब ये बात कौन से सुनना आप में बोलने लगाऊ कि अब अगर आप लेफ्ट साइड पे एच सी एल एड कर दो दो मॉलिक्यूल्स एच सी एल के तो मुझे राइट साइड पे भी फिर डालने पड़ेंगे दो मॉलिक्यूल्स एच सी एल के ठीक है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ना क्योंकि ये चीज मिलके ये बना रही थी तो अगर इसके अंदर दो एच सी एल डाले जाएँ तो प्रोडक्ट्स के अंदर भी दो एच सी एल अपीयर हो जाएंगे ठीक है अब आप मुझे ये बताओ कि टू एन एच और टू एच सी एल दिस इज अ बेस दिस इज एन एसिड ये दो मिलके क्या बनाएंगे एन ए टू एन ए सी एल बन जाएगा ठीक है टू एन ए सी एल और साथ में क्या बन जाएगा दो दफा ओ OH एच है और इसमें दो दफा एच है तो दो दफा वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा इस बात में आपको कोई कन्फ्यूजन है मैंने क्या किया है मैंने सिंपली लेफ्ट साइड पे दो एच सी एल्स एड किए हैं और द राइट साइड पे भी दो एच सी एल्स एड किए हैं तो उससे क्या हुआ है कि दो सोडियम क्लोराइड्स और दो वाटर प्रोड्यूस हो गए हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हो इन दो चीजों की जगह सो लेट्स रिप्लेस दिस एन एच विद एन ए सी एल ठीक है हम इसको एन ए सी एल बना देते हैं एंड सेकेंडली दो मॉलिक्यूल्स एच टू ओ के प्रोड्यूस हो जाएंगे सो लेट्स मेक दिस टू टाइम्स एच टू ओ एच टू ओ लेट्स एलिमिनेट ये जो आपके पास चीज थी ये आपने ऊपर कवर कर ली है अब अब अगर आप इस रिएक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो ऑन द दाइडन प्लस टू टाइम्स एच सी एल प्लस सेवन टाइम्स वाटर और राइट right साइड पे यू हैव टू टाइम्स वाटर तो दो मॉलिक्यूल्स वाटर के आप लेफ्ट साइड पे एलिमिनेट कर दो राइट right साइड से आप यूं कह लो कि आप अगर इस लेफ्ट वाले को राइट right साइड पे ले आओ লেফ্ট চাইড পেলাইও ইউ কেন মেক দিছ ফাইভ মালিক প্লছ ফাইলিক ইজ গোংগ টু গি টু মালিকেল প্লছ ফলিকথব ঠিক নাও টেল মি ये कोई हमने बहुत मुश्किल बात की हमने क्या किया वही पिछला वाला रिएक्शन लिया है जो कि ये चीज थी उसके अंदर दो एच सी एल के मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए ठीक है थीके? दो मॉलिक्यूल्स ऐड करने की वजह थी क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास दो एन प्रोड्यूस हो रहे थे और दो क्लोराइड्स के साथ दो एन आप लगाओगे यानी सॉरी दो आपके पास प्रोड्यूस हो रहे थे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड तो दो सोडियम्स के साथ दो क्लोरिन की जरूरत है इस वजह से हमने टू एच ऐड किया था ठीक है सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म और अगर आप अगेन थोड़ा सा पीछे चले जाओ एक स्टेप पीछे चले जाओ दोबारा उसी रिएक्शन पे चले जाओ Na2B4O7.7H2O वाला जो रिएक्शन था जो कि क्या बना रहा था 2 NaOH बना रहा था और 4 H3BO3 प्रोड्यूस कर रहा था इसी के अंदर बजाय इसके कि मैं 2 HCls डालूं अगर इसके अंदर मैं H2SO4 डाल दूँ दोनों तरफ ठीक है H2 SO4. फोर अच्छा एच ओ फोर में दो डालूंगा कि एक क्यों डाले थे मैंने भी आपको ताकि दो दफा एन एस एल बने लेकिन आपको पता है कि दो सोडियम के साथ एक ही एच ट्रोएसओ फोर चाहिए क्योंकि जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो गोइंग टू तो फॉर्म एन ए टू एसओ फोर ठीक है अच्छा यहां तक भी एवरीथिंग इज कूल नाउ एड दीज टू reactions टूगेदर पहले तो आप मुझे ये बताओ एन ए ओ एच और एच टू ओ मिल क्या बना देंगे दे आर गोइंग टू फॉर्म एन ए टू एस ओ फोर ठीक है और दूसरा यहाँ पे यू हैव एच टू मीन्स दो दफ़ा एच प्लस है और यहाँ ऊपर वाले में आपके पास दो दफा ओ OH एच माइनस है तो ये आपके पास दो मॉलिक्यूल्स पानी के प्रोड्यूस हो जाएंगे ठीक है नाउ सिंपली जिस आपने पहले किया था कि आपने इन दो की बजाय हम इन इन वाले दो को हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि इन दो ने मिलकर ये नीचे वाली चीज बना दी है तो इन दो को यहाँ से हटा देते हैं और इस चीज़ को हम कह देते हैं कि ये आपके प्रोडक्ट्स में अब आ गई है together, तो यू सिंपली एड दीज टू टूगेदर तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आपके पास सात मॉलिक्यूल्स हैं पानी के राइट right साइड पे आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं पानी के तो लेफ्ट साइड में आप कह सकते हो कि ओवरऑल पांच मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे एन ए फोर बी एन ए टू बी फोर सेवन प्लस फाइव मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस एच टू एस ओ फोर is going to give you SO which is sodium sulfate, plus plus molecules molecules of of orthoboric acid plus two molecules of water so, base वही वाला रखा जो शुरू में जो एक reaction हुआ है जो पानी के साथ एन ए टू बी फोर ओ सेवन का रिएक्शन हुआ था उसी के अंदर मैंने पहले एक दफा HCl सी कर दिया और उसी के अंदर एक दफा मैंने एच टू एस ओ फोर कर दिया और जो प्रोडक्ट्स बने उसमें आपने देखा कि सब प्रोडक्ट्स के अंदर H3BO3 चार दफा लाजमी अपीयर हो रहा है ठीक है सो यू कैन नाउ मेक अ कोड जैसा मैंने आपको इस लेक्चर के शुरू में कहा था कि आप कोड्स बना के बातों को याद रखते हो कोड आप ये बना सकते हो कि व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू डू अ रिएक्शन ऑफ Na2B4O7 ठीक है एंड इट इज बीइंग रिएक्टेड विद वाटर अगर पानी के साथ आप इसका रिएक्शन करवा रहे हो एंड यू आर नॉट रेजिंग द टेंपरेचर ऑर्थोबोरिक एसिड लाजमी बनेगा ये आपने कोड बना लिया ठीक है कि ये चीज लाजमी बनेगी कितनी दफा बनेगी आप ये भी कोड बना सकते हो क्योंकि आपने जितने रिएक्शन आप सिर्फ अपनी बुक के बारे में अगर बात करो तो आपके पास टोटल तीन आपने देखे ठीक है एंड उन तीनों के अंदर चार ही मॉलिक्यूल्स बन रहे थे बिकॉज देर आर फोर बोरॉन्स हियर और एक बोरिक एसिड के अंदर सिंगल बोरॉन तो चार ही मॉलिक्यूल्स बनेंगे ठीक है इसके अलावा बाकी क्या चीज बनेगी बाकी डिपेंड करता है अगर तो आप सिंपली इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवा दो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा अगर आपने बीच में कोई क्लोराइड का सोर्स डाला हुआ है तो सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो जाएगा और अगर आपने कोई सल्फेट का सोर्स डाला हुआ है तो आपके पास सोडियम सल्फेट प्रोड्यूस हो जाएगा ठीक है और क्लोराइड का सोर्स आपने देखा कि HCl था और सल्फेट्स का सोर्स एन एच टू एस ओ फोर सल्फ्यूरिक एसिड था ठीक है

टेट्राहा टेट्राबोरेट जो था सोडियम टेट्राबोरेट या बोरेक्स डेका हाइड्रेट जो था डेका हाइड्रेट टेन एच टू ओ के साथ आप उसको अगर हीट करो कम एन ए टू बी फोर ओ सेवन डॉट टेन टाइम्स द वाटर मॉलिक्यूल और इस पूरे को आप हीट करो तो वॉट इज कि आपके पास एक तो एन ए टू बी फोर ओ सेवन प्रोड्यूस होता है अच्छा ये अपने बात याद रखनी है अब कि एक तो एन ए टू बी फोर ओ सेवन जो है बजाते खुद वो सेपरेट आउट हो जाता है इसके अलावा आपके पास क्या प्रोड्यूस होता है यू कैन मेक एन ए बी ओ टू एन ए बी ओ टू आपके साथ एक चीज प्रोड्यूस होती है और यहां पे आपके पास एक तीसरी चीज प्रोड्यूस होती है विच इज बी टू ओ थ्री ठीक है आप अभी सोच रहे हो गए कि हाइड्रोजन्स कहाँ गए हैं आपके राइट साइड पे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर हाइड्रोजन्स हों ये जो रिएक्शन है इसका आप कैसे याद रख सकते हो कि ये क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे ये हुआ ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया है कि एन ये एक्चुअली दो मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन हुआ अगर सबसे पहले तो ये होता है कि एच टू मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं ठीक है वो तो फ़ौर आपने हीट किया है तो वो एवेपरेट हो जाएंगे सारे के सारे ये पहले क्या होगा कि क्रिस्टल क्रिस्टल लाइन से स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा क्रिस्टल लाइन नहीं रहेगा पहले तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे उसके बाद दो दफा एन है ना एक दफा तो एज इट इज़ प्रोडक्ट में आ गया आपके पास और दूसरी दफा जो एन है उसमें एक टू एन बन जाएगा और एक बी टू ओ थ्री बन जाएगा इन दो प्रोडक्ट्स को आप याद रख सकते हो और उसका कोड ये है कि बी टू ओ थ्री जो है विच इज ऑल्सो कॉल्ड बोरिक एनहाइड्राइड बोरिक एनहाइड्राइड जो है ये लाजमन बनता है जब भी आप हीट करते हो बोरेक्स को अब देखो जिस तरह हमने पहले कोड बना लिया था ना कि जब भी आप बोरेक्स का पानी के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ऑर्थो बोरिक एसिड लाजमी बनता है इसी तरह बोरेक्स को जब भी हीट किया जाता है तो इसके दो तीन रिएक्शन हैं जितनों में भी आप हीट करोगे बोरिक एनहाइड्राइड या बी टू ओ थ्री लाजमी प्रोड्यूस होगा ठीक है इसके अलावा ये ये जो -बी -टू प्रोड्यूस हुआ है, है से निकला है, and -बी -टू मैटाबोरिक एसेड, मैटाबोरिक एसेड, तो -बी -टू सोडियम या ट आप इसको बोल सकते हो ठीक है सो दिस इज सोडियम मेटाबोरेट और साथ आपके पास एक दफा एनए टू बी फोर सेवन बजाते खुद प्रोड्यूस हो गया ठीक है सो इट्स नॉट

एक तो चीज ऑब्वियस है कि चूंकि इसके अंदर सोडियम है और इसके अंदर क्लोरिन तो सोडियम क्लोराइड तो बनेगा ठीक है जिस तरह पहले आपके पास हुआ था कि जब आपने एच डाला था इन द प्रेजेंस ऑफ एच टू तो एन तो बना ही बना था और साथ क्या बना था एच बन गया था ठीक है लेकिन इस दफा एच थ्री बी ओ थ्री प्रोड्यूस नहीं होगा उसके रीजन में आपको बता चुका हूं क्योंकि आप हीट कर रहे हो तो जब भी आपने अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाना है आपने बेसिकली हीट करना है so, सो एक तो प्रोड्यूस होता है और हीट जब भी आप करते हो अभी थोड़ी देर होता था कि बी टू ओ थ्री लाजमी बनता है ठीक है सो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी बी टू ओ थ्री एंड थर्डली आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे एंड वन ऑफ द डिफिकल्ट थिंग्स टू रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज कि आपके पास बोरॉन नाइट्राइड प्रोड्यूस हो जाता है विच इज बी एन ठीक है इट इज आई अंडरस्टैंड दिस इज डिफिकल्टिमेंबर बट आप ये इस चीज को मेक इट अ कोड वेन एवर यू ट्राई टू रिएक्ट अमोनियम क्लोराइड विद एन हाइड्रस बोर एक्स एंड यू हीट दैम टूगेदर बोरॉन नाइट्राइड इज गोइंग टू फॉर्म बी एन प्रोड्यूस हो जाएगा और बोरॉन नाइट्राइड के अंदर बोरॉन बिहेव प्लस थ्री एंड नाइट्राइड behaves as n minus 3 okay so it is b n yeah in other words you can say b and n covalent bonded three times there are triple covalent bond between them okay so uh, this is it to about today's lecture today's lecture we have done chemical reactions borax k the first type of chemical reaction was pretty simple is borax you first ionizes into sodiums and tetraborates and then this tetraborate is hydrolyzed and that hydro hydrolysis produces uh, uh, four molecules of orthoboric acid, yeah, simply boric acid, and it releases hydroxide ions. You add these two reactions together to get this salt, acid, uh, salt and water reaction to produce a strong base and a weak acid. Again, that, that's the reason that the solution of um, sodium tetraborate is basic in nature, yeah, alkaline in nature. इससे नेक्स्ट बात हमने ये की थी कि इसी रिएक्शन को जो आपने अभी बनाया उसके अंदर अगर आप एच सी एल ऐड कर दो या एच टू एस ओ फोर ऐड कर दो तो आपके पास करस्पॉन्डिंगली उसी चीज़ के क्लोराइड्स या सल्फेट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं ठीक है यू कैन एड द बोथ साइड्स पिछले ही रिएक्शन के अंदर तो आपके पास दो नियक्शन प्रोड्यूस हो जाते हैं ठीक हो गया एंड फाइनली वी टॉक अबाउट द रिएक्शन जिनके अंदर बोरेक्स को आप हीट करते हो अगर डेकाहाइड्रेट को हीट किया जाए तो आपके पास बी टू ओ थ्री उसके अलावा एन ए टू बी फोर ओ सेवन ये दस मॉलिक्यूल वैसे ही निकल जाते हैं ये वेबरेट हो जाते हैं एंड देन यू मेक सोडियम मेटाबोरेट एंड यू मेक सोडियम टेट्राबोरेट एंड फाइनली बी टू ओ थ्री विच इज बोरिक एनहाइड्राइड फिर हमने ये बात की कि जब भी आप डी कम हीट वाला रिएक्शन करोगे बोरेक्स का यू आर ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म बी टू ओ थ्री एंड इन द फाइनल रिएक्शन वी सॉ किस अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है वन ऑफ द डिफिकल्टन प्रोडक्ट्स रिमेंबर इज बोरऑन नाइट्राइड विच इज गोइंग टू फॉर्म इन द नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे बोरेक्स uh, बीड टेस्ट के बारे में विच इज वंस अगेन लिंक् टू द लास्ट रिएक्शन जो भी हमने पढ़ा जिसके अंदर बोरेक्स को आपने हीट किया था उसी रिएक्शन के आगे हम लोग बात कंटिन्यू करेंगे बोरेक्स बीड टेस्ट के बारे में